गजल का मतलब इसी की खिदमत है। मोहब्बत के फरिश्ते की तरह जीशान लगता है, जीशान वाले सब बड़ी शान वाला। मोहब्बत के फरिश्ते की तरह जीशान लगता है, मोहब्बत के फरिश्ते की तरह जी शान लगता है, जो सबके दर्द को समझे वही इंसान लगता है, जो सबके दर्द को समझे वही इंसान लगता है। और ये सिर्फ पेश खिदमत है। बड़ा ही काम मुश्किल है मोहब्बत को निभा देना, बड़ा ही काम मुश्किल है मोहब्बत को निभा देना, किसी को अपना कह देना बड़ा आसान लगता है, किसी को अपना कह देना बड़ा आसान लगता है। और ये भी सिर्फ देखें, वतन पर मिटने वाला आज भी जिंदा है दुनिया में, वतन पर मिटने वाला आज भी जिंदा है दुनिया में, नगीना है अनोखा वो वतन की शान लगता है, नगीना है अनोखा वो वतन की शान लगता है। और ये शेर भी समाप्त करें, जिसे कल तक भटकते घूमते देखा था गलियों में, जिसे कल तक भटकते घूमते देखा था गलियों में, उसी को देखिए गा का सुल्तान लगता है, उसी को देखिए गा आज का सुल्तान लगता है। और गजल का खास शेर मैं पढ़ रहा हूं, आपकी मोहब्बतों का तलबगार हूं। ये हिंदू है मुसलमान भी, ये सिख और है ये ईसाई, ये हिंदू है मुसलमान भी, ये सिख और है ये ईसाई, हजारों फूले हैं इसमें ये हिंदुस्तान लगता है, हजारों फूले हैं
इसमें ये हिंदुस्तान लगता है। और अगतल का आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, इसमें मैंने समुद्र में तूफान के पहले क्या स्थिति होती है उसको पेश करने की कोशिश की है। अगर मैं अपने बात पर सही पहुंचाऊं तो आपकी मोहब्बतों का तलबगार हूं। हवा साकती ये लहरें चुपी है साहिल पर भी सन्नाटा। साकेत माने रुकी हुई, निश्चल। हवा साकित ये लहरें चुपे है साहिल पर भी सन्नाटा। समुंदर की खामोशी में छुपा तूफान लगता है। समुंदर की खामोशी में छुपा तूफान लगता है। और अगजल का मक्का पीसी खिदमत है। वो जिसके आने से पहले हुई है रिश्क में बरकत, वो जिसके आने से पहले हुई है रिश्क में बरकत। मेरे घर आश्क आएगा कोई मेहमान लगता है। मेरे घर आश्क आएगा कोई मेहमान लगता है। गजल का मतलब यूं है, वो हर के गम को खुशी कहने लगा, वो हर के गम को खुशी कहने लगा, वो हर के गम को खुशी कहने लगा। मौत को ही जिंदगी कहने लगा, मौत को ही जिंदगी कहने लगा। और ये शेर इसे खिदमत है। हो गई उल्फत अंधेरों से उसे, हो गई उल्फत अंधेरों से उसे, हो गई उल्फत अंधेरों से उसे। तीरगी को रोशनी कहने लगा, तीरगी को रोशनी कहने लगा। और ये विशेष समाप्त करें। वक्त की ठोकर उसे जब से लगी, वक्त की ठोकर उसे जब से लगी, वक्त की ठोकर उसे जब से लगी। आदमी को आदमी कहने लगा, आदमी को आदमी कहने लगा। दोस्तों की साजिशों
को दे के कर दोस्तों की साजिशों को दे के कर दुश्मनी को दोस्ती कहने लगा दुश्मनी को दोस्ती कहने लगा हो गया दौलत पे अब उसको गुरूर हो गया दौलत पे अब उसको गुरूर हर किसी को अजनबी कहने लगा हर किसी को अजनबी कहने लगा और ये शेर भी समाप्त करें धूप में रहने की आदत हो गई धूप में रहने की आदत हो गई धूप को ही चांदनी कहने लगा धूप को ही चांदनी कहने लगा और ये शेर भी देखें अपनी गुरबत को छुपाने के लिए अपनी गुरबत को छुपाने के लिए वो गरीबों को धनी कहने लगा वो गरीबों को धनी कहने लगा और गजल का आखिरी शेर पेश करमत है चंद सिक्के क्या गरीबों को दिए चंद सिक्के क्या गरीबों को दिए खुद को दुनिया का सखी कहने लगा खुद को दुनिया का सखी कहने लगा और गजल का मक्ता पेश खिदमत है इश्क चाहत उनसे कुछ ऐसी हुई इश्क चाहत उनसे कुछ ऐसी हुई इश्क को ही बंदगी कहने लगा इश्क को ही बंदगी कहने लगा वो हर के गम को खुशी कहने लगा मौत को ही जिंदगी कहने लगा मौत को ही जिंदगी कहने लगा ये अंधेरे हमें मिटाना है ये अंधेरे हमें मिटाना है ये अंधेरे हमें मिटाना है एक नई रोशनी खुलाना है एक नई रोशनी खुलाना है।
और ये शेर पेश करूँ। अपनी तहजीब उर विरासत को, अपनी तहजीब उर विरासत को, अपनी तहजीब उर विरासत को, दोस्तों अब हमें बचाना है, दोस्तों अब हमें बचाना है। और ये शेर भी देखें, वक्त फिर इनकलाब लाएगा, वक्त फिर सो गए हैं उन्हें जगाना है, सो गए जो उन्हें जगाना है। और ये शेर किसी खिदमत है दोस्तों, अपने देश में कई बड़े बड़े नेता हुए, प्रधानमंत्री भी हुए, लेकिन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो मोहब्बतों की समारोहन की, उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं एक शेर उन्हीं के हवाले से पढ़ता हूँ। शम्मे उल्फत जला गया कोई, शम्मे उल्फत जला गया कोई, शम्मे उल्फत जला गया कोई, आंधियों से इसे बचाना है, आंधियों से इसे बचाना है। और ये शेर भी देखें, गर है जन्नत की आरजू तुमको, गर है जन्नत की आरजू तुमको, पाओ माँ बाप के दवाना है, पाओ माँ बाप के दवाना है। और ये शेर भी समाप्त करें, अब शराफत सिसक रही यारो, अब शराफत सिसक रही यारो, अब शराफत सिसक रही यारो, गुंडे शहदों का अब जमाना है, गुंडे शहदों का अब जमाना है। और गजल का मक्का पेशे खिदमत है, अर्श के वो गैर से करें बातें, अर्श के वो गैर से करें बातें, अर्श के वो गैर से करें बातें, और हमारे
निशाना है और हमारी तरफ निशाना है। सच्ची की तस्वीर हाल होता है, सच की तस्वीर हाल होता है, सच की तस्वीर हाल होता है। आई ना बेमिसाल होता है, आई ना बेमिसाल होता है। और ये शेर पेशे खिदमत है। नेक किरदार ही जमाने में, नेक किरदार ही जमाने में, नेक किरदार ही जमाने में, जिंदगानी की ढाल होता है, जिंदगानी की ढाल होता है। और ये शेर भी समाप्त करें। घुल गया जहर इन्हें हवाओं में, घुल गया जहर इन हवाओं में, घुल गया जहर इन हवाओं में, सांस लेना मुहाल होता है, सांस लेना मुहाल होता है। और ये शेर गजल का खास शेर पेश कर रहा हूं। फर्क नस्लों में ढूंढते क्यों हो, फर्क नस्लों में ढूंढते क्यों हो, फर्क नस्लों में ढूंढते क्यों हो, खून तो सब कलाल होता है, खून तो सब कलाल होता है। और इसे भी समाप्त करें। साथ अपने भी छोड़ जाते हैं, साथ अपने भी छोड़ जाते हैं, साथ अपने भी छोड़ जाते हैं, मुफलिसी में ये हाल होता है, मुफलिसी में ये हाल होता है। और ये शेर भी देखें। उसे के खामोश लब बताते हैं, उसके खामोश लब बताते हैं, उसके खामोश लब बताते हैं, उसकी चुप में सवाल होता है,
उसी की चुप में सवाल होता है। और अगसल का वक्ता भी इसी खिदमत है। अर्श के तन्हाइयों के आलम में, अर्श के तन्हाइयों के आलम में, अर्श के तन्हाइयों के आलम में एक तुम्हारा ख्याल होता है, एक तुम्हारा ख्याल होता है, एक तुम्हारा ख्याल होता है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।